Assalamualaikum alaikum three class hope you all are fine and doing well today we will learn and revise book work of page number 59 and page number 59 so let's start open page number 58 we have to fill the gaps part three there was a young girl from lahore okay? there was a young girl from lahore Subsequently blank megha lahore एल ए एच ओ आर ई लाहौर सेकेंड है हुज शर्ट गॉड स्टक इन द डोर जिसकी शर्ट जो है वो डोर में फंस गई थी दरवाजे में फंस गई थी सेकेंड ब्लैंक में आएगा डोर डी डबलो आर डोर थर्ड हमारा वर्ड है शी पुल एंड शी क्राइड उसने अपनी शर्ट को खींचा और वो रोने लगी क्राइड सी आर आई ई डी क्राइड उसके बाद है देन द डोर ओपन वाइड फिर दरवाज़ा जो है वाइडली खुल गया पूरा का पूरा खुल गया फोर्थ में आएगा वाइड उसके बाद है एंड द पुअर गर्ल फेल फ्लैट ऑन द फ्लोर और जो बेचारी लड़की थी वो फरश पर गिर गई ठीक है फर्स्ट वाली ब्लैंक में आएगा लाहौर उसके बाद आएगा डोर उसके बाद आएगा क्राइड उसके बाद आएगा वाइड उसके, उसके बाद आएगा फ्लोर नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज पेज नंबर फिफ्टी नाइन पार्ट टू वी हैव टू सर्कल द करेक्ट वर्ड एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है शूज़ आर मेड ऑफ़ प्लास्टिक और वूल और लेदर ठीक है वो कहती है शूज़ किस चीज़ के बने हुए होते हैं तो उन्होंने लेदर पे सर्कल किया हुआ है जो हमारा ठीक आंसर है वो लेदर है ठीक है इस तरह हम आगे करते हैं वह सॉक्स आर यूजअली मेड ऑफ कॉटन रबर नायलन और वूल वो कहते हैं सॉक्स जो हैं किस चीज़ की बनी हुई होती हैं सॉक्स बनी हुई होती हैं नायलॉन की हम नायलॉन पे सर्कल कर देंगे उसके बाद सेकंड है पीपल इन हॉट कंट्रीज़ वेयर डैश क्लोथ ठीक है जो गर्म ममालिक में लोग रहते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वो वूलन ऊन के कपड़े पहनते हैं या कॉटन के पहनते हैं तो कौन से कपड़े पहनते हैं कॉटन के आप लोग कॉटन को सर्कल कर देंगे उसके बाद है थर्ड वाला पीपल इन कोल्ड कंट्रीज़ ऐसे लोग जो ठंडे ममालिक में रहते हैं जहाँ पे मौसम ठंडा होता है वेयर वुलन क्लोथ या कॉटन क्लोथ वो वुलन के कपड़े पहनते हैं ठीक है ऊनी कपड़े पहनते हैं उसके बाद है फोर वाला डैश ग्लव्स आर वाटर प्रूफ कौन से ग्लव्स जो होते हैं वाटर प्रूफ होते हैं रबर के या वन के रबर के ठीक है रबर पर आप लोग सर्कल कर देंगे उसके बाद फ़ाइव वाला है अम्ब्रेलाज आर मेड ऑफ डैश अम्ब्रेलाज जो हैं जो छतरी है हमारी वो नायलॉन से बनी हुई होती है या लेदर से नायलॉन से हम नायलॉन को सर्कल कर देंगे लास्ट वाला है सिक्स डैश शूज़ आर हैवियर देन प्लास्टिक शूज़ कौन से शूज़ जो हैं ज़्यादा हैवी वजनी होते हैं कॉटन के या लेदर के लेदर के जो शूज़ हैं वो ज़्यादा हैवी होते हैं नाउ कम टू पार्ट थ्री अब यहाँ पे उन्होंने हमें बॉक्स में बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं ठीक है ये आपको नजर आ रहा है ये उन्होंने बॉक्स में इतनी सारी चीज़ें बताई हुई हैं वो कहते हैं आपने बताना इनमें से कौन सी चीज़ वूलन यानी ऊन की बनी हुई है कौन सी नायलॉन की बनी हुई है और कौन सी लेदर की बनी हुई है ठीक है वुलन में हम लोग लिख देंगे सॉक्स कोट स्वेटर और ड्रेस ठीक है उसके बाद नायलॉन में शर्ट सॉक्स हैट शॉर्ट्स स्कर्ट्स ये सब कुछ लिख देंगे उसके बाद लेदर की क्या क्या चीज़ें बनी हुई होती हैं लेदर के बूट्स होते हैं बेल्ट होती है शूज़ और कोट ये चीज़ें जो है लेदर की बनी हुई होती हैं यू हैव टू लर्न पेज नंबर फिफ्टी एट एंड पेज नंबर फिफ्टी नाइन इट इज़ योर टेस्ट अल्लाह